नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी। मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी डुमड़ा हवाई अड्डा के इंडोर स्टेडियम से लाइव हूं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि आज नशा मुक्ति अभियान दिवस के तीसरे साल, जहां आपको मैंने कुछ देर पहले डुमड़ा हवाई अड्डा मैदान में प्रभात फेरी दिखलाई और सीतामढ़ी डीएम डॉक्टर रंजीत कुमार द्वारा जब प्रभात फेरी निकाली गई, तो लगभग हज़ारों लोगों की तादाद में कई प्राइवेट्स व सरकारी स्कूल के बच्चे व वहीं सरकारी तंत्र में काम करने वाले कर्मचारी हाजिर हुए और उन्होंने दौड़ लगाई और पूरे ज़िला में जाकर ये संदेश दिया कि नशा मुक्ति अभियान, जिसको बिहार सरकार ने छेड़ा है, पूरे बिहार में लागू किया है, वो अभियान अब यूं ही नहीं रहेगा। उस अभियान को हर जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें अपनी कोशिशें बढ़ानी होगी, हमें अपनी कोशिशों को और भी मजबूत करना होगा। यूं तो आए दिन आप देखते हैं कि अभी भी नशा मुक्ति अभियान पूरी तरह से बिहार में सफल नहीं हुआ। आए दिन कहीं ना कहीं शराब दारू पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी कोशिशों को छोड़ दें, हम अपनी कोशिशें तर्क कर दें, रोक दें। और उसी अभियान को बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ बचपन है। बचपन कह रहे हैं तो वो छात्र जो बचपन की जीवन जी रहे हैं, छोटे हैं, इन्हें आज ज़िला प्रशासन के द्वारा सीतामढ़ी डीएम डॉक्टर रंजीत कुमार द्वारा एक कंपटीशन में लाया गया है। कंपटीशन ऐसा है कि इनके पास नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए इन्हें लेख लिखना है। कुछ बच्चे लेख लिख रहे हैं और कुछ बच्चे चित्रकारिता कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इनमें जो बच्चे अव्वल आएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो होंगे, उन्हें डॉक्टर डीएम रंजीत कुमार साहब सम्मानित करेंगे और उन्हें कुछ बुक्स दी जाएंगी जो अच्छे बुक होंगे। और साथ ही तमाम बच्चों को जो छात्र भाग ले रहे हैं उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कई सारे स्कूल के बच्चे यहाँ प्रतियोगिता में, इस नशा मुक्ति अभियान प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। साथ ही जो आधी आबादी होती है हमारे समाज की, जो बेटियां होती हैं, जो आगे चलकर घर गृहस्थी संभालती हैं, हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, इस संस्कृति में ज़्यादातर बेटियां आगे चलकर के घर गृहस्थी संभालती हैं, हाउसवाइफ बनती हैं। तो सारा दारोमदार उन पर भी होता है कि वो अपने घर परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, पति, बच्चे, बेटे, बेटियाँ, उनको कैसी ज़िंदगी देंगी, उनको कैसी तरबियत देंगी, उन्हें कैसे समझाएंगी कि नशा से, चाहे वो नशा किसी भी तरह का हो, ये सिर्फ शराबबंदी नहीं है, नशा मुक्ति अभियान है। नशा मुक्ति अभियान पर लेख और चित्रकारिता, ये दोनों चलाए जा रहे हैं। तो मैं दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी नशा, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो गांजे हो, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे जैसे भी जिस किसी प्रकार का नशा होगा, नशा हमारी ज़िंदगी को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, हमारी खुशहाल ज़िंदगी को एक नशा का लत बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो सीतामढ़ी डीएम डॉक्टर रंजीत कुमार की जो ये कदम है, ये बिल्कुल सराहनीय है। चूँकि हम जब इन चीज़ों को बचपन में उतार देंगे, हम जब इन चीज़ों को बच्चों में भर देंगे, आप देख सकते हैं ये पूरा इंडोर स्टेडियम भरा हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये पूरा इंडोर स्टेडियम भरा हुआ है। आगे और पीछे करके छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं और वो नशा मुक्ति अभियान के लिए लेख लिख रहे हैं, चित्रकला कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं और उस इस प्रतियोगिता में भाग लेकर ये अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ साहब, हम नशा मुक्ति अभियान के दूत हैं और हम पूरे बिहार में ये मैसेज देंगे, पूरे बिहार में नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे, अभियान को सफल बनाएंगे और इस अभियान को हर घर घर तक, हर आम जनमानस तक पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं कि कई सारे स्कूल अलग अलग ड्रेस देख सकते हैं, अलग अलग स्कूलों के ड्रेस देख सकते हैं आप। लगभग सैकड़ों की तादाद में बच्चे डुमड़ा के इंडोर स्टेडियम से नशा मुक्ति अभियान पर लेखनी लिख रहे हैं। हम चलते हैं, हमारे साथ कुछ स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और सरकारी सिस्टम, सरकारी मशीनरी के भी कुछ लोग हैं जिन पर
नशा मुक्ति अभियान का जिम्मा है। आप देख सकते हैं मैं एक बच्चे की चित्र दिखा रहा हूँ, ये लोग इस तरह से खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं और इसमें ये दर्शाएंगे कि नशा किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे वैवाहिक जीवन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे तमाम चीज़ों के लिए नशा किस तरह से एक अभिशाप है और नशा हमारी ज़िंदगी को किस तरह से नष्ट करता है। चलिए हम चलते हैं, आपका परिचय सुन पाएंगे। आप सुपरिटेंडेंट एक्साइज हैं, उत्पाद अधीक्षक कहे जाते हैं, क्या लक्ष्य है आज और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे हैं। इनके द्वारा आकृति उकेरी जा रही है जिससे मद्य निषेध, मद्यपान शर्कर, जिसके लिए नशा जो है वर्जित हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा आकृति उकेरी जा रही है और इन लोगों के द्वारा निबंध में भी इसी तरह के टाइटल को किया जा रहा है। अच्छा, क्या वजह है कि नशा मुक्ति अभियान सरकार चला रही है लेकिन 100% कामयाबी नहीं मिल पा रही है? अभी भी बहुत सारे जगहों पे आप खुद उस विभाग को डील कर, देखिए किसी भी कानून पकड़े जा रहे हैं कि कोई भी कानून कोई भी बनता है तो उसका अनुपालन बहुत धीरे धीरे होता है और अनुपालन 100% होगा। कुछ समय है लोगों को इसमें एडजस्ट करने में थोड़ा सा ये हो रहा है। मैसेज ये भी आता है कि दारू बंदी के बाद, नशा मुक्ति अभियान के बाद इतना प्रॉफिट का धंधा आ गया है, जिन लोगों को नहीं मिलता है वो लोग दुगुनी चारगुनी कीमत पर देकर खरीदते, जिसकी वजह से नए लोग जो इस धंधे में शामिल नहीं थे वो उस तरह के लोग इसमें आ गए, पकड़े भी जा रहे हैं। इस तरह के करीब उत्पाद विभाग के द्वारा 2400 व्यक्तियों को पकड़ा गया है अभी तक सीतामढ़ी जिला में, केवल उत्पाद विभाग के द्वारा पुलिस के अतिरिक्त है 2400 और 3 आदमी को सजा भी हुई है। अच्छा, 3 लोगों को सजा भी हुई है। आप जो नए नियम आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो चोरी छिपे दारू पीते हैं उन्हें ऐसा गलतफहमी है कि नए नियम में माफी है, क्या है नया नियम? ऐसा कोई भी नियम नहीं है। नया नियम में है कि फर्स्ट ऑफेंस के लिए 50,000 रुपया फाइन किया जाएगा और सेकेंड ऑफिस के लिए नॉन अवेलेबल है, जिसमें 3 साल सजा है। 3 साल सजा है। सजा काटने के बाद ही आप बाहर आएंगे। इसके पहले नहीं है। नहीं, केवल फर्स्ट ऑफेंस के लिए 50,000 का फाइन या 6 महीना रखा गया या तो कोई धंधेबाज पकड़ा जाता है तो उसके लिए 5 साल की सजा है। अभी बेल का, ये जो बेल का खेल होता है, बेल मिलने से फिर वो आदमी लौट कर, बेल तो कानून की प्रक्रिया है, और हमारे साथ और भी स्कूल कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम मिस्टर एस एन झा। आप बताएं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को सबसे पहले इतना अच्छा कवरेज देने के लिए। पूरे बिहार में आज नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है और सीतामढ़ी भी एक नई इबारत लिख रही है इन बच्चों के सौजन्य से, जहाँ निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का विषय भी है, सोल थीम इसका नशा मुक्ति, कि सीतामढ़ी को नशा मुक्त बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। पूरा उत्पाद विभाग, पूरा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय आज इसके गवाह बन रहे हैं और इस आंदोलन को आज बड़े ही दृढ़ता के साथ आंदोलन का रूप देकर सफल बनाने की एक महती कोशिश है, जिसमें निजी विद्यालयों के साथ साथ जो सरकारी विद्यालय हैं के बच्चे बड़े दृढ़ता के साथ आज भाग ले रहे हैं, जिसका दृश्य आप अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया भी जा रहा है। इसके लिए हम इस चैनल को कोटिशा धन्यवाद और बधाई देते हैं, जो जन जागरूकता के द्वारा ही यह नशा मुक्ति का अभियान संभव है और इसको ये सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता और निबंध लिखे जा रहे हैं, हमारे साथ शिक्षा विभाग से शिक्षा पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से आपके डिपार्टमेंट नशा मुक्ति अभियान को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, आज 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर हमारे विभाग के द्वारा सर्वप्रथम प्रातःकालीन प्रभात फेरी सभी विद्यालयों में और जिला स्तर पर भी इसको निकाला गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चे प्रचार के, अपने परिवार के कुरीतियों को दूर करने के लिए सबसे बड़े माध्यम है हमारे पूरे जिले में।
लगभग 7 लाख बच्चे हमारे हैं और 7 लाख परिवार से जुड़े हुए हैं। यह मेरा बहुत बड़ा अभियान है और इस शराब मुक्ति नशा मुक्ति अभियान में हमारे सहयोग किए हैं। पुनः उसकी प्रतियोगिता चल रही है, इस प्रतियोगिता के माध्यम से और प्रभात फेरी के माध्यम से हम लोगों ने घर घर तक संदेश इसका नशा मुक्ति का आज पहुंचाया है और आशा करते हैं कि कुरूतियों से हम लोग मुक्त होंगे और स्वच्छ समाज की स्थापना होगी। तो आप देख रहे थे ज़िला शिक्षा पदाधिकारी और प्लस हमारे साथ ज़िला पदाधिकारी भी आ गए हैं। नशा मुक्ति प्रतियोगिता जो चल रही है, इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए जो पूरी ताकत झोंकी है सीतामढ़ी के DM डॉक्टर रंजीत कुमार ने, उनकी बेहद सराहना करनी पड़ेगी। वो हमारे साथ हैं, मैं दिखलाऊँगा, उन तक लेकर चलूँगा आपको। आप देख रहे हैं बच्चों, हमारे साथ सीतामढ़ी के DM सिटी ऑफ हीरो जिसे लोग कहते हैं डॉक्टर रंजीत कुमार हैं। हम इनसे बात करेंगे नशा मुक्ति अभियान पर। इन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता एवं निबंध लिखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया है कि क्या योजनाएं हैं और क्या चाहते हैं कि आप डॉक्टर बच्चों में किस तरह से ऊर्जा भरना चाह रहे हैं। सर कर रहे हैं थोड़ा सा। अब जो है सर, बच्चों में बच्चों को लेकर आप आए हैं, वो बच्चे जो भविष्य होंगे और ख़ास करके यहाँ पे बिटिया है बेटियाँ हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति में घर संभालती हैं, और इनमें जो मैसेज जा रहा है, आपने ये जो एक अभियान चला है कि बच्चों में कला प्रतियोगिता के जरिए या फिर निबंध के जरिए हम नशा मुक्ति को लाएँ, इसे कैसे देख रहे हैं, धरातल पर ये कैसे लागू होगा और इसके क्या फ़ायदे होंगे? हाँ, हम सबको पता है कि ये बच्चे ही हमारे बिहार और देश के भविष्य हैं। अगर ये बच्चे का नर्चर बहुत अच्छे से किया जाएगा तो ये बच्चे ही हमारे लिए एक एसेट हैं। और नशाबंदी चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम जो है वो कानून बनाया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भाई नशा मुक्ति, हर तरह के नशा को दूर करना है। ऐसे में हमने सभी बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई बच्चे जो है विद्यालय में है। अगर ये बच्चे ही अगर कंसस हो जाए, अपने माता पिता को ही बताएं जहाँ पे नशा हो रहा है जिस परिवार में, और साथ में बच्चों में जागरूकता अभी से हम पैदा करेंगे कि ये बच्चे कभी भी नशा के लत में ना आए। क्योंकि नशा कई बार होता है कि टेस्ट के लिए, या बच्चे कई बार ऐसी संगति में चले जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि टेस्ट करके देखें कैसा नशा होता है, और 90% से अधिक लोग केवल नशा टेस्ट के चलते ले लेते हैं और बाद में आदी बन जाते हैं उसके, और उसका एडिक्शन इतना बुरा होता है कि बाद में छोड़ना मुश्किल होता है, फिर इलाज करवाना पड़ता है। बच्चों को इस तरह से ऐसे और पेंटिंग कंपटीशन और दूसरे कंपटीशन द्वारा हम ये भावना और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा जो है कितनी खतरनाक है, इसके कितने दुष्परिणाम हैं, इसी को लेकर हम बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं। खासकर जो लड़कियाँ हैं उसको हम अधिक से अधिक एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक जो कुरीतियाँ उसके प्रति अवेयर करने के लिए अभियान चला रहे हैं, और इसके लिए इतने बड़े आयोजन किए गए हैं। तो आप देख रहे थे डॉक्टर रंजीत कुमार जो सीतामढ़ी के DM हैं, जिसे सिटी ऑफ हीरो कहा जाता है। कभी कभी आप देखते हैं आप के डिस्ट्रिक्ट के जो DM होते हैं वो सिर्फ अपने पद और गरिमा में मगन होते हैं, लेकिन बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सीतामढ़ी के DM डॉक्टर रंजीत कुमार, जिन्होंने बिहार सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, ताल में ताल मिलाकर, नीतीश कुमार के सोच के साथ और एक अच्छे और खूबसूरत सोच के साथ, मैं इसे राजनीतिक सोच तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं इसे समाज सुधारक सोच कहूँगा, इस सोच के साथ सीतामढ़ी के DM डॉक्टर रंजीत कुमार ने काफ़ी खूबसूरत प्रयास किए हैं और बच्चों में नशा मुक्ति के लिए जिस तरह के अभियान चलाए हैं, मैं तसव्वुर कर सकता हूँ उस पल का कि जब ये बच्चे बड़े होंगे और जब ये समाज के रक्षक बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे, तो बिल्कुल आप देखिएगा उस वक्त सीतामढ़ी शहर से और पूरी बिहार से इनके असर से शराब नशा मुक्ति अभियान कायम होगा
और नशा का नामो निशान मिट जाएगा। सीतामढ़ी की हर खबरों का सीधा प्रसारण देखने के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ सीतामढ़ी। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें हमारा और फेसबुक पेज लाइक करें। थैंक यू। कोई स्टेट का ही पता नहीं है। फादर का नाम जगदीश मुझे याद है यार। बहन कहाँ कहाँ पे दिल्ली का कुछ पता नहीं कहाँ पे है। तुमको लगता है कि बिहार के हो दिल्ली के कहाँ कुछ पता नहीं बिहार के हो बिहार में कहाँ पता नहीं यहाँ से बच्चे से गार्जियन लेकर चले जाते हैं ऐसे कितना दिन में सर्टिफिकेट नहीं सब नहीं सब कराइए और स्कूल वाइज दो स्कूल पढ़ोगे ना यही सहारा है पढ़ाई तुम्हारा सहारा है और घर वाले भी तुम्हारे मिल जाएंगे जब पढ़ जाओगे बड़े हो जाओगे कोई ना कोई तो याद करेगा कि मेरा बच्चा था यही है तुम्हारा फोटो छपेगा न्यूज़पेपर सभी जगह तब तुमको खोजा जाएगा कि डीएनए टेस्ट करा के हमको मैच करा लेंगे कि हाँ कौन बच्चा है ठीक है पढ़ के अपना नाम और आज पार्टिसिपेट किए इसके लिए बहुत बहुत बधाई तो कला आए ऐसे ही सब में पार्टिसिपेट करना है आगे बढ़ना है और खूब पढ़ाई करना है ठीक है यहाँ कोई तकलीफ नहीं है खाना मिलता है टाइम से अच्छा मिलता है सब लोग खुश रहना ठीक है चलो। चाली है चलिए और चले जाए।